मधेपुरा के भर्राही ओपी क्षेत्र अंतर्गत बिरैली में जमीन विवाद को लेकर एक युवती को एक पक्ष के लोगों ने चाकू मारकर पूरी तरह जख्मी कर दिया। फिलहाल जख्मी युवती का इलाज मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में चल रहा है। घायल युवती की पहचान बिरैली बाजार वार्ड नंबर 5 निवासी शिवनारायण मेहता की पुत्री सोनी कुमारी के रूप में हुई है। घटना को लेकर जानकारी देते हुए जख्मी युवती के परिजनों ने बताया कि गांव के ही दीप नारायण मेहता से उन लोगों का पुराना जमीन विवाद चल रहा है। आज शाम अचानक से दीप नारायण मेहता उनके घर में घुसकर शिव नारायण मेहता की पुतोहू सिंटी कुमारी के साथ मारपीट करने लगे। वहीं उसे बचाने गई उनकी पुत्री सोनी कुमारी के ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। परिजनों ने बताया कि इस घटना में सोनी कुमारी के हाथ और पेट में चाकू लगने से वह बुरी तरह जख्मी हो गई। आनन फानन में परिजनों ने जख्मी सोनी कुमारी को जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में भर्ती करवाया, जहां चिकित्सकों की देख रेख में उनका इलाज किया जा रहा है। परिजनों ने बताया कि घटना की सूचना भर्राही थाने की पुलिस को भी दे दी गई है। जी बताइए कैसे क्या घटना हुआ है। सर हम मजदूर क्लास के आदमी हैं, हम मजदूरी करने के लिए चले गए मेला पर आ ये सब को जान से मारने का सिंकी कुमारी को मारने चले गए। जब इसको झोटा पकड़ करके साड़ी पकड़ के खींचा तो ये घर भाग गया। हल्ला किया तो मेरे बचिया ने सोनी कुमारी ने गई तो वो गई तो उसको छोड़ करके इसको चाकू मार दिया। हाथ में भी चाकू लगा और पेट में भी चाकू लगा पंजरा में। कौन लोग मारे? दीप नारायण मेहता। पहले से कोई विवाद था क्या? जगह जमीन का विवाद था सर। पहले भी सारी घटना हुई थी? पहले वैसे गाली गुप्ता हो रहा था, लेकिन धमकी धमकी दे रहा था, लेकिन पहले विवाद नहीं हुआ था। आप लोगों को जानकारी कैसे मिला? हम लोगों को कोई पड़ोसी उड़ोसी गांव का लोग फोन किया से तुम्हारे घर पर घटना हो गया, तो हम वहां से भाग करके आए, मजदूरी कर रहे थे वहां से भाग करके आए, तो देखिए ऐसे ऐसे घटना हो रहा था, तो हम आए मेडिकल कॉलेज लेकर। अभी क्या स्थिति है पेशेंट का? अभी तो बुरा हाल है। थाना को सूचना दिए हैं? थाना में सूचना दिए हैं। कहाँ की घटना है ये? बिरेली बाजार का 5 नंबर वार्ड का। क्या नाम हुआ आपका? शिव नारायण मेहता। घर? बिरेली बाजार वार्ड नंबर 5। थाना? मधेपुरा।